गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और सीरियस हूँ। क्या हाल है सबके? वीडियो अच्छी लग रही है ना? व्लॉग अच्छे लग रहे हैं? थोड़ा रुक रुक के आ रहे तो भी अच्छे लगने चाहिए। जी फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्पेनिश क्लास। अबे साबुन रह गया। शी वैन डिस्गस्टिंग। वो जल्दी जल्दी बना रहा मैं। अभी जा रहा हूँ मैं स्पेनिश क्लास। फिलहाल क्लासेस शुरू हो गई है, आज मैं जा रहा हूँ क्लास। तो आपको दिखाते हैं क्लास Whatever happens, तो आओ चलो। टीडी पीछे का बहुत गंदा बैकग्राउंड, साथ में मैं बहुत गंदा जूते पहनने बस, बाकी रेडी हूँ बिल्कुल। और जूते पहन के बैग रेडी कर लेता हूँ क्योंकि पढ़ाई शुरू। ये पैसा पैसा एंड एवरीथिंग। मिस्टर फरीदाबाद इज बैक इन द टाउन। हाल है भाई के? कैसा लग रहा सब्सक्राइबर से मिलके? बाल तो भैया अब थोड़ा मतलब नॉर्मल भी दिखना चाहिए ना। हमेशा कूल डूड दिखोगे तो लड़के फ्लैट हो जाते हैं। लंबे बाल से अच्छा। चलो किसी का तो कॉम्प्लीमेंट आया। शादी में आना है सब। मैं भी आऊँगा तेरे साथ। तो क्लास जाने के बाद दो महीने तो दे। देखते हैं क्लास के बाद बताएंगे। चलो ठीक है तुमको स्पेनिश क्लास में मिलते। काश सोच लियो मिल जाए। छोड़ दिया उसे ग्रुप। छोड़ दिया नहीं है लियो। इसका मतलब लियो की दोस्त मिल गई है। Aunque fuera aficionado de Real Madrid. Pero tú no eres del Madrid, no. Del United. Sí. Vale. Puede ser. Es que no es del Madrid. Entonces puedes decir, aunque fuera del Madrid. She from Italia. हर शब्द में उसका वो चीज निकल रहा था भाई। और तू मेरी तरफ देख रहा है। अरे कोई एक बात थी जिसके ऊपर बात है ना। ये बुक पूछ ले उनको। मैं क्या करेंगे, बुक अगली क्लास में पूछेंगे। चल मेरे पीछे बंदा दिख रहा, शायद वो भी देख रहा है। ही इज फ्रॉम इटालिया। आगे लिरिक्स तो आता ही नहीं है। गाना डाल दूंगा मैं। रील्स तू देख। तो वो प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, इनका आ जाता है अंदर से। तो इनका आ जाता है अंदर से, इटालियन बाहर आ जाता है इनके अंदर से। साला लड़ने को हो रहा था, हर बात पे लड़ता है उससे। किससे? एनरीके से। हाउ वाज योर फर्स्ट क्लास? काफी कुछ समझ आया आज की क्लास में। ऐसा लगा कि दो महीने बाद क्लास करेंगे। बड़ी है हमारी। ऐसा लगा कि सब कुछ आता है हमें। इतना कुछ आता है कि और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं। हाँ लास्ट में उसने जो एक नया सिखा दिया, इम्पॉसिबल वाला। हाँ। भाई हो ही नहीं रहा मेरे से। तीन एक्सरसाइज, तीन वो हो गए। उसके बाद मेरे को समझ आया आउन के मतलब इफ इवन इफ, या क्या था इफ इवन व्हाइल सिंस इवन इफ, कुछ भी। हाँ। मतलब हो सकता है। मेरे को तीन एक्सरसाइज के बाद समझ आया कि इसका मतलब ये है, तब जाके सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। तीन एक्सरसाइज तो सेंटेंस ही नहीं समझ आ रहे। मैं दिखाता हूँ मैं करके आ रहा था। मैं ये कर रहा था जब तक, तीन एक्सरसाइज तक मैं यही करता रह गया। और फिर मेरे को समझ आया अउन के मतलब इवन एफ होता है। और तब मेरे को सारे के सारे सेंटेंस समझ में आने लगे। बहुत बहुत भाई बी ए दो उसमें भाई बहुत वो चाहिए। अब लेकिन फिर बी वन दिक्कत है ना, पूरा करना पड़ेगा शुरुआत से। इतना तो आता ही है, पूरा थोड़ी करेंगे। अब ऑफ कर बोल रहा, सब सुनेंगे सब सुनेंगे। उसे मेरे को लगा इसके वो जो आगे ऑरेंज कलर की पैन रखी है ना, ये वो है बाल है उसके। हाँ देखिए हेलो जी, घर आ गए अपन। खाना तैयार कर दिया वहाँ से। मेरे को डायरेक्ट क्लास के बाद घर आते ही उसमें जाना पड़ गया। मेरा जो लाइसेंस फीचर जो बन रहा है, मतलब लाइसेंस बोल रहे हैं तुम्हारी भाषा में, उसका साइन करने के लिए मेरे को सेंटर साइड जाना पड़ गया। क्या बात है,
डेविड लग रहा है। वहाँ से होया हूँ अभी साइन करके, पेपर जो पेपर दिखाया था वो ले लिया है। अब खाने को तैयार भाई, इसके बाद थोड़ी देर। और आज नया नया मैंने एक नई आलू बेक्ड है पूरे के पूरे, और क्या बने हैं नाइस। साथ में आपका राजमा है, राजमा के अंदर चावल है, चावल के अंदर चिकन है, और मेरे अंदर प्यार है। खाना खा लेता हूँ भाई, यार लेट हो गया हूँ खाना खाने के लिए, उसकी वजह से, साइन की वजह से। फोन में बैटरी भी नहीं है। खाना खा के जाएंगे शाम को जिम। ये सो के तो सर में पता नहीं क्या हुआ, आज मैं घर पे था, खाया पिया, उसके बाद थोड़ी देर लेटा तो यहाँ गर्दन में दर्द हुआ। सोते सोते तो ऐसा लगा कि उठूँ ही ना, सोता रह जाऊँ, कल सुबह उठूँ सीधा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई, हिम्मत करके मैं उठा 7 बजे। अब मैं जा रहा हूँ जिम जाके बढ़िया सा वर्कआउट कर देंगे, क्योंकि आज किसी टीम में ट्रेनिंग है नहीं, मेरी होनी थी टेक्निकली है नहीं, क्योंकि अब मेरी टीम फाइनल हो चुकी है तो दूसरी टीम में जाने का फ़ायदा नहीं है। तो जी जिम चलते हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ मैं। मेरे को भी याद आया कि ब्लॉगर भी हूँ मैं, तो बताना चाहिए गाइस को। चलो फिर साथ जिम चलेंगे आप लोग के साथ हम लोग। मेरे भाइयों, पिछले क्लिप में हमने देखा वो उल्टी थी भाई, सही में उल्टी थी भाई। प्री वर्कआउट लेते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो तो हिसाब से लिया जाता है, ऐसे नहीं कि तुमने जोश में भर लिया और बाद में उल्टी गिरते बैठो। तरीका है लेने का उसका, पहले अगर झिलता नहीं है तो लोई मत। हाँ, एक बंदा नया नया था, जिम शुरू किया भाई, बाथरूम में घुसा, 1 मिनट हाथ रखा और ला 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 ला। सारा बार। तो बी अवेयर गाइस, जितना शरीर झेले उतना ही ऊपर से चीज़ें लो, नहीं झेलता तो कोई नहीं। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी करी तो एक रूटीन एक टाइम के साथ आ जाती हैं, लेकिन इसके लिए अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आज का वर्कआउट अपना बढ़िया ही हुआ। जो सर का वो जहाँ का दर्द था ना, वो भी निकल गया। अब घर जाके खाना खाते हैं। गाइस खाना अपना तैयार हो चुका है, कि लग रहा होगा ना कि थोड़ा सा जल गया है, मतलब दिल को तो दिलासा दे सकते हैं कि नहीं जला, लेकिन जल गया है, इसका मतलब कि नहीं जला है। लेट इट बी, आज के व्लॉग को कर देते हैं गाइस यहीं ख़त्म। अब आपको मिलेंगे विद नेक्स्ट व्लॉग। ये सोच रहा था ये लेने की, बट देन आई थॉट इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा, और इसको ले के तुम रोड पे चलो, लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि तुम ले कर निकल लिए और चल दिए, बहुत कुछ है इसके अंदर, और एक आधा चलान साल का खर्चा। तो जी आज के ब्लॉग को गुड नाइट कर देते हैं आप सबको। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।